वेलकम बच्चों, आज का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रहस्यमयपूर्ण है। इसमें ऐसी रहस्य छुपा हुआ है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें इतने बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं कि इसमें कई सारे वीडियो बन सकते हैं। इसके लिए मैं फ्यूचर में एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। स्टूडेंट्स को सही राह पर ले जाने के लिए उसे समय समय पर मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आने वाले समय में आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊँगा, और इसके लिए मैं सेटअप तैयार कर रहा हूँ, जल्दी ही सेटअप तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक मानव है, दानव है और एक देवता है, जो परमपिता ब्रह्मा जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं और कुछ विनती कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ दुलाचंद दास, स्वागत करता हूँ आप सभी का। जिस प्रकार से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह से मेरे साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, निश्चित रूप से हम जल्द ही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कौन सा चैप्टर है। क्लास 3 का हिंदी बुक है ये, और चैप्टर 3 है तीन भाई। यहाँ तीन भाई के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर जो पिक्चर दिखाया गया है उसी तीन भाई के बारे में है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तीनों अपने भाई थे, माता पिता ने बड़े उन्हें स्नेह से पाला था। यहाँ पर वर्ड अदला बदली हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था माता पिता ने उन्हें बड़े स्नेह से पाला था, इस प्रकार होगा। एक ही प्रकार से शिक्षा दी थी, फिर भी तीनों तीन थे, एकदम तीन। तीनों अपने ही भाई थे और माता पिता ने जिस प्रकार सबको पाला था, एक ही जैसा उन लोगों को पाला था और एक ही जैसा शिक्षा दिया था, लेकिन फिर भी तीनों तीन तरह के हो गए, अलग अलग हो गए। पहला भाई दिन भर दूसरों को सताता था, हत्याएँ करता था, डाका डालता था, उन्हीं से अपनी जीविका चलाता था। पहला भाई यहाँ पर बतला रहा है कि जितने भी बुरे काम हैं, पाप कर्म है, वो सारा काम करता था और उसी से अपनी जीविका चलाता था। उसका जीवन पर पीड़न का एक लंबा इतिहास था, दूसरों को सताने में ही उसका जीवन बीतता था। दूसरा भाई व्यवहार कुशल था, वह किसी का कुछ अपहरण कर लेना जितना बुरा समझता था, उससे कहीं अधिक बुरा समझता था अपनी वस्तु किसी को दे देना। यहाँ पे मानव के बारे में बोल रहा है कि उसका व्यवहार ठीक ठाक था, कुशल था। वह किसी के सामान को लेना बुरा समझता था, अच्छा नहीं मानता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा समझता था कि वो किसी को अपना सामान दे दे। वो अपना सामान देना किसी भी स्थिति में नहीं चाहता था। व्यवसाय से लाभ उसके जीवन का मूल मंत्र था। व्यवसाय मतलब बिजनेस, बिजनेस से वो जितना लाभ कमा सके वही वह चाहता था। भीख देने को वह अपराध और दान देने को एक कुरीति समझता था। भीख देना वह अपराध समझता था, इनलीगल समझता था, और दान देने की तो बात ही मत कीजिए, वह दान देना कभी चाहता ही नहीं था। वह कुरीति समझता था, एक खराब परंपरा समझता था। उसका जीवन विनियम की एक ऐसी तुला थी जिसमें पासंग नहीं था। विनियम अदला बदली करने का, किसी को लेन देन करने का किसी के साथ, तो इस तरह का ऐसा बैलेंस बना हुआ था जिसमें पासंग नहीं था। पासंग मतलब जो बतलाता है कि बैलेंस आपका संतुलित है, तो उसमें इस तरह का नहीं था। वो सिर्फ न लेना जानता था, न देना जानता था। वह न किसी का कोई सामान लेना चाहता था और न किसी को कुछ देना चाहता था। तीसरे भाई का जीवन स्नेह और त्याग से भरा हुआ था। तीसरे भाई मतलब है कि देवता के बारे में बोल रहा है। वे लोग त्यागी थे, वे अपना सामान किसी को देने से हिचकते नहीं थे। दूसरों का हित उसका प्रिय व्यसन था। दूसरों की भलाई करना उसका आदत में था, उसका शौक था। वह देने से कभी अघाता नहीं था, वह देने में कभी भी हिचकता नहीं था, किसी को कुछ भी देने के लिए तत्पर रहता था। सेवा करने से कभी थकता नहीं था, पर वह वैभव पाकर हास विलास में डूब रहा था, चंचल मन का दमन नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे उसे धन दौलत बहुत कुछ मिला हुआ था तीसरे भाई को, बस यहीं पे वह उस धन दौलत में डूब जा रहा था, उसके चमक दमक में खो जा रहा था। वह अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। एक दिन तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे और कहने लगे, पिताजी हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार जीवन जी रहे हैं, पर संतोष नहीं हो रहा है। आप हमें कुछ उपदेश दें कि हम अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकें, संतोष पा सकें। वे तीनों भाई अपने कर्मों से दुखी थे। पहला भाई दूसरे को सता रहा था, दूसरा भाई न दूसरे से लेन देन, किसी से लेन देन नहीं रखना चाहता था, और तीसरा भाई उसे धन दौलत सब तो मिला हुआ था लेकिन फिर भी वो दुखी था। इसीलिए तीनों भाई अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि का निर्माण किए हैं, वही जो है सभी जीवों को प्रकट किए हैं, वही बनाए हैं, इसीलिए उन तीनों को भी वही बनाए। और वे तीनों अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे कह रहे हैं कि हम अपने जीवन अपने हिसाब से तो जी रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं,
हम लोग किसी भी तरह से जीवन में संतुष्ट नहीं हैं, तो आप हमें कुछ ऐसा उपाय बतलाइए या कुछ उपदेश दीजिए जिससे हम अपने जीवन में सुधार ला सकें और अपने जीवन में संतुष्टि प्राप्त कर सकें। तो उनके पिता ने भोजपत्र के 3 छोटे छोटे टुकड़ों पर कुछ लिखा, उसे लपेटा और प्रत्येक को एक एक टुकड़ा देकर कहा, जाओ इसे घर पर खोलकर पढ़ना और मेरे उपदेश पर चलने की चेष्टा करना, कल्याण होगा। उनके पिता ने डायरेक्ट जो है उन्हें कोई उपदेश तो नहीं दिया, लेकिन कुछ भोजपत्र के टुकड़े लिए, 3 टुकड़े लिए और उस पर कुछ लिख कर उन्हें लपेट कर उन लोगों को दे दिए और बोले कि इसे घर ले जाओ और वहाँ पर खोल कर पढ़ लेना, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम लोगों के लिए उसे पढ़कर और उसमें चलने की प्रयास करना, तुम लोगों का कल्याण होगा। वे तीनों उसे लेकर अपने घर चले गए। घर आकर जब उन तीनों ने भोजपत्र खोले तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, तो वे चकित रह गए उसे देखकर, क्योंकि तीनों टुकड़ों पर केवल एक एक अक्षर लिखा था, केवल एक ही अक्षर लिखा हुआ था, द। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ पर जब वे तीनों ले आए उस भोजपत्र के टुकड़े को तो उसको खोल के जब देख रहे हैं तो तीनों में सेम चीज़ था, उसमें सिर्फ द लिखा हुआ था। अब उसको वे लोग समझेंगे कैसे, तो अब इस जो है उलझन में पड़ गए। उन्हें एक बुढ़ा पंडित मिला, उसकी दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी, बालों को समय के प्रवाह ने धो धोकर उजला कर दिया था, कमर अनुभव के बोझ से कुछ झुक गई थी। वह उनके पिता के उपदेशों को अर्थ समझाने को राजी हो गया। अब उन लोग जब पता करना चाहे कि इस द का अर्थ क्या होता है, तो उन्हें एक पंडित मिला, उस पंडित का उम्र काफ़ी हो गया था, उसकी दाढ़ी नाभि तक लटक रही थी और उसका बाल सफ़ेद हो चुका था, उसका कमर भी झुक गया था क्योंकि वह बूढ़ा हो चला था। तो तीनों भाई ने उस पंडित से विनती किया कि इसका अर्थ समझा दीजिए, तो वह पंडित उन तीनों को समझाने के लिए तैयार हो गया। अब उसने आगे क्या कहा, उसने पहले से कहा, पर पीड़न से तुम्हारा हृदय कलुषित हो गया है, इसका मतलब है कि दूसरों को सताते सताते तुम्हारा हृदय पाप भाव से भर चुका है और तुम उससे खुद भी दुखी हो रहे हो, इसीलिए तुम्हारे पिता का यह उपदेश है तुम्हारे लिए कि तुम अपने जीवन में दया भाव, दूसरों पे दया करना सीखो, दूसरों पे दया करना है, दयालु बनना है, दयालु बनो। दूसरे भाई से उस बूढ़े पंडित ने कहा कि तुम हमेशा लाभ कमाना चाहते हो, किसी को कोई सामान, किसी को कोई भी चीज़ देना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं करना है, पिता ने तुम्हें यह उपदेश दिया है कि दान, अपने जीवन में दानी बनो, दान देना शामिल करो, कृपण मतलब कंजूस नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है, दानी बनना है, दानी बनो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तीसरे को उसने बताया, दया और दान तो तुम्हारे जीवन का अंग हो ही चुका है, अब मन की चंचलता का दमन करो। तीसरे भाई अर्थात देवता को उस बूढ़े ब्राह्मण ने, उस बूढ़े पंडित ने बतलाया कि दान, दया और दान तो तुम्हारे जीवन का अंग है ही, परंतु अपने मन की चंचलता पर तुम्हें नियंत्रण करना, उसका दमन करना है, हास विलास में मत डूबो। उसके पास धन दौलत की कमी तो था नहीं, जिसको जिस हिसाब से मदद करना चाहे वो मदद करता था, लेकिन धन दौलत की वजह से वह विलासिता में डूब जा रहा था। तो इसीलिए तुम्हारे लिए, उस बूढ़े ब्राह्मण ने समझाया कि तुम्हारे लिए दाक्षर का अर्थ दम या दमन यही है, यही तुम्हारे पिता का पवित्र उपदेश है, मतलब अपने मन को नियंत्रित में रखना है, नियंत्रण में रखना है, अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। जब उस बूढ़े ब्राह्मण ने समझाया तो तीनों को यह बात समझ में आ गई, विधाता के इन तीन पुत्रों में से पहले भाई का नाम दानव, दूसरे का मानव और तीसरे का देवता था। दानव ने दया भाव को धारण किया, मानव ने दान भाव को धारण किया, देवता ने दमन को अपनाया। और यहाँ पे इस तरह यह चैप्टर समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यह है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, शब्दार्थ, तुला, तराजू, इस तरह से आप लोग इसको पढ़कर याद कर लेंगे। इन शब्दों से वाक्य बनाएं। यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहले से दिया हुआ है, इसीलिए आप लोगों को बनाने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हिंदी वर्ड का स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानना बहुत ही मुश्किल काम होता है। नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ समझाएं। और यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है, इसका अर्थ बतलाने के लिए कहा गया है, वैसे तो समझ में आ ही रहा है, उसका जीवन पर पीड़न का इतिहास था, लेकिन इसको आम भाषा में जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए इस तरह से समझाने के लिए कहा गया है। उचित शब्दों से खाली जगहों को भरें, यहाँ पे बच्चों ने पहले ही भरा हुआ है, आप इसे भर सकते हैं या फिर मैं आपको इसका आंसर दूंगा ही। 5 नंबर में सोचें और बताएं, ये इसका मुख्य क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दिखाता हूँ।
यह है चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में शब्दों से वाक्य बनाएं। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग लगा हुआ है, इसका वाक्य भी बना हुआ है और छोटे छोटे वाक्य बने हुए हैं, इसीलिए आप लोगों को आसानी से याद भी हो जाएगा और आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें दूसरा वाक्य भी बनाया जा सकता है। और इसमें आगे देखते हैं, आप लोग इसे पॉज करके लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे लिखे वाक्यों के अर्थ समझाएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसका जीवन पर पीड़न का इतिहास था, उसका जीवन दूसरों को सताने में बीतता था, वह किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, बालों का समय के प्रवाह ने धो धोकर उजला कर दिया था, उसे जीवन का अनुभव हो गया था, पर पीड़न से हृदय कलुषित हो गया था, दूसरों को सताने के कारण उसका हृदय पाप भाव से भर गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में उचित शब्दों से खाली जगहों को भरें। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, और ये आंसर उसका है सताता, व्यवसाय से लाभ, स्नेह, त्याग। इसको आप अपने बुक में भर सकते हैं। सोचें और बताएं, इसका क्वेश्चन आंसर है, तीन भाई कौन कौन थे? तीन भाई दानव, मानव और देवता थे। तीनों को अपने जीवन से संतोष नहीं था, क्यों? तीनों अपने रुचि के अनुसार जीवन जी रहे थे, फिर भी उनका जीवन नीरस था, अपने जीवन से वे संतुष्ट नहीं थे। पिता ने क्या कहा? पिता ने भोजपत्र के 3 छोटे छोटे टुकड़ों पर कुछ लिखा, उसे लपेटा और प्रत्येक को एक एक टुकड़ा देकर कहा, जाओ इसे घर पर खोल कर पढ़ना और मेरे उपदेश पर चलने की चेष्टा करना। द के 3 अर्थ कौन कौन हैं? द के 3 अर्थ हैं दया भाव, दान भाव और दमन। और यहाँ पे चैप्टर 3 पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप लोग हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं।